गरम गरम जूसी चिकन काफ्रियल होम मेड। वाह, जीजू और मुझे बुला सकते हो? मुझे तो बुला सकते। चिकन भी ना अच्छा सा लेके आ गए हम लोग। मुझे जैसे पीस चाहिए था ना वैसे करके लिया। काफ्रियल बनाने के लिए ना आप बड़ा साइज का भी पीस करके दे सकते हो, पर मैंने ना छोटा छोटा पीस किया। अच्छा जल्दी भी बनता है और खाने के लिए भी अच्छा है। आपके हिसाब से आप बना सकते हो, मतलब कट करके ले सकते हो बड़ा पीस भी। फिर यहाँ पे मैंने चिकन अच्छे से धो के रखा है और यहाँ पे मैंने लिया है काफ्रियल बनाने के लिए ओरी कोतंबीर, हरा धनिया है, थोड़े से ग्रीन चिली, हाफ नींबू लिया है, अदरक, थोड़े लहसुन, एक स्पून जीरा, दालचीनी, काली मिर्च और लौंग लिया है थोड़े से। यहाँ पे नमक, सॉल्ट, टेस्ट वाइज सॉल्ट डालूंगी, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और यहाँ पे एक बाउल में लिया मैंने विनेगर, व्हाइट विनेगर लिया है। आप कौन सा भी विनेगर ले सकते हो। बहुत ही टेस्टी बनता है और जल्दी भी बनता है, पर उसके लिए ना आपको बहुत मैरिनेट करके रखना पड़ता है चिकन। जितना आप चिकन मैरिनेट करके रखोगे ना उतना आपका चिकन ना अच्छा बनता है। तो फिर चलो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने चिकन को अच्छे से धो के रखा है। इसमें फर्स्ट डालेंगे सॉल्ट, थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर। मैं लेमन भी यूज़ करती हूँ, थोड़े लोग लेमन यूज़ नहीं करते क्योंकि इसमें विनेगर डालते हैं, इसलिए लेमन यूज़ नहीं करती हूँ, पर मैं लेमन थोड़ा यूज़ करी हूँ, अच्छा टेस्ट रहता है। तो फिर हाफ लेमन स्पून उसमें जूस निकालेंगे और इसको ना भी अच्छे से चिकन को अच्छा मैरिनेट होने के लिए थोड़ा टाइम के लिए रखेंगे। तब तक इसको ना नमक वगैरह लग जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। जो मैंने इसे ये सब मसाला निकाल के रखा है उसको मुझे पहले ग्राइंड करके लेना है मिक्सर में। तो फिर यहाँ पे मैंने जो पूरा मसाला लेके दिया है ना, ये हल्दी और नमक छोड़ के ये जो पूरा बाकी का मसाला है मुझे पहले ग्राइंड करके लेना है मिक्सर में। तो फिर यहाँ पे मैंने कोतंबीर लिया है मुझे जितना चाहिए था, धनिया, इसको थोड़ा कट करके लेंगे, मिक्सर में ग्राइंड करके लेना है। हल्का सा मैं मोटा ही कट करके ले रही हूँ क्योंकि इसको मुझे ग्राइंड करना है ना, इसलिए। ग्रीन चिली लिया मैंने, ये तीखा इतना नहीं है इसलिए मैंने 7-8 लिया है। आपको जैसे तीखा पसंद आप ले सकते हो। इसको भी थोड़ा कट करके लेते हैं, थोड़े से ग्रीन चिली, अदरक का मैंने थोड़ा कट टुकड़ा लिया था उसको मैंने बारीक कट किया है, इसको डालेंगे, थोड़े से लहसुन, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, जीरा, इसके साथ अब ऐड करेंगे 1 बाउल विनेगर। मैंने हल्दी ऑलरेडी चिकन को लगा दिया है पर थोड़ा सा इसमें भी थोड़ा सा ऐड करूँगी मैं। इसका भी साथ में अभी सबको ग्राइंड करके लेंगे, एकदम बारीक पेस्ट करके लेंगे इसको। फिर यहाँ पे देखो मेरा ग्रेवी रेडी है, ग्रीन मसाला एक साइड में निकाल के रखेंगे, चिकन को लगाएंगे थोड़ा मसाला। ये मेरा पूरा इसमें निकाला ना मसाला, ये हाफ ही यूज़ करूँगी मैं, थोड़ा सा ही लगा के रखूँगी और हाफ रखने वाली हूँ मैं। ये देखो हाफ मसाला रखेंगे, चिकन को ना अच्छा मैरिनेट करके रखेंगे। ये ना मैंने एकदम मीडियम साइज़ का पीस करके लिया है, फ्राई जल्दी भी हो जाएगा और खाने के लिए सबको अच्छा रहेगा। बड़ा साइज़ का लेना तो फिर उसको चिकन को थोड़ा कट लगाना पड़ता है और ये मसाला लगा के उसको मैरिनेट होने के लिए रखना पड़ता है, पर मैंने इसे छोटा ही पीसेस करके दिया है। तो फिर यहाँ पे ना मैंने मसाला लगा के रखा है, तो फिर इसको ना 2-3 घंटे के लिए रखेंगे मैरिनेट। जितना हो जाएगा ना उतना आपका काफ्रियल बहुत अच्छा बनेगा। आप ना ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, और ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो फिर इसको रखेंगे फ्रिज में और बाद में फ्राई करेंगे। तो फिर आज मैं काफ्रियल बनाने वाली हूँ और करी भी बनाने वाली हूँ। आई ना चिकन वगैरह नहीं खाते, फिर ग्राइंड करना है। प्रॉन्स ऑलरेडी मैंने ना क्लीन करके लेके आई हूँ, जल्दी बनाना है इसलिए। तो इसको ग्राइंड करते हैं और करी बनाएंगे। तो फिर अभी मैं काफ्रियल फ्रिज में से निकाला है, अच्छे से मैरिनेट हो गया है इसको ना, मैंने अराउंड 2.5 आवर हो गया है मैरिनेट होके। तो फिर अभी फ्राई करेंगे, दोपहर का टाइम है, अभी खाना खाना है इसे अभी फ्राई करूँ मैं। तो फिर यहाँ पे मैंने पैन रखा है, उसमें थोड़ा ऑयल डाल दिया है और मेरा गरम हो गया है। इसमें अभी मैं डालूँगी ये चिकन, चिकन पीस को ना मुझे पहले अच्छे से फ्राई करके लेना है। अच्छे से फ्राई करके लेंगे, तो मीडियम साइज का ही मैंने कट करके लिया है यहाँ पीसेस। मोटा भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ ये नहीं है, मुझे इतना मोटा पसंद नहीं, इतना बड़ा नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने मीडियम साइज़ का पीसेस करके लिया है। खाने को भी अच्छा रहेगा सबको पीसेस। ये पैन में मेरा कितना होगा उतना फ्राई करती हूँ और बाकी का ये बाद में फ्राई करके लेती हूँ मैं। तो फिर यहाँ पर मेरा ना चिकन फ्राई हो रहा है, साइड बाई साइड में करी रखती हूँ। यहाँ पर अभी मैं करी भी बना रहा हूँ, उसको भिंडी भी डाल के जैसे बॉल आने के लिए रखा है। कड़ी प्रॉन्स लिया था थोड़ा, क्योंकि आई चिकन नहीं खाती इसलिए प्रॉन्स करी बना रही हूँ। यहाँ पे देखो मैंने थोड़ा सा ग्रेवी रखा था,
पापड़ का मसाला ग्रीन। ये फ्राई होने के बाद इसके साथ इसको बॉईल करना है, फिर से थोड़ा ग्रेवी टाइप बनाना है। ये मसाला को भी अच्छा बाद में फ्राई करना है। चिकन अच्छा फ्राई होना चाहिए। थोड़ा टाइम के लिए ना मैं इसको चिकन को ना 5 मिनट के लिए कवर करके रखती हूँ। तो फिर यहाँ पे देखो चिकन अच्छा ना फ्राई हो गया है। ये देखो अच्छे से फ्राई हो गया। मैंने टर्न भी करके अच्छा फ्राई करके निकाला इसको। इसका भी ना सेपरेट एक प्लेट में निकालेंगे। मेरा और चिकन फ्राई करने का है, मैंने थोड़ा भी फ्राई किया था। ये ऑलरेडी फ्राई हो गए हैं। तो फिर यहाँ मैंने चिकन निकाल दिया है। सेम पैन में ना मैं इसको फिर से ग्रेवी को भी फ्राई करना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी पैन गरम है, उसमें ना थोड़ा सा ऑयल, मैं थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ। और यहाँ पे मैंने ना एकदम बारीक ऑनियन कट करके लिया, एकदम बारीक चॉप किया है चॉपर से। ये समझ में भी नहीं आएगा कि ऑनियन है करके। तो फिर पहले इसको ना ऑनियन को अच्छा सा फ्राई करके लेंगे। तेल गरम हो गया है। तो फिर यहाँ पे ना मेरा ना ऑनियन फ्राई हो गया अच्छा सा। कलर भी चेंज हो गया इसका, ब्राउनिश कलर आ गया है अच्छा सा। अब इसमें मैं ऐड करूँगी ये जो यहाँ पे मैंने ना मसाला रखा था हाफ, इसको मैं ऐड करूँगी अभी। आपको और थोड़ा ग्रेवी टाइप जैसे चाहिए तो आप थोड़ा पानी ऐड कर सकते हो। मसाले को अच्छा सा भून के लेंगे। मैंने ऑलरेडी चिकन को ना नमक डाल दिया था, अभी थोड़ा इसमें थोड़ा ग्रेवी में डाल रही हूँ। ये ऑलरेडी मेरा ग्रेवी ज़्यादा हो गया है, इसलिए मैं इसमें पानी भी ऐड नहीं कर रही हूँ। आपको मतलब ग्रेवी टाइप में खाना है तो आप थोड़ा पानी ऐड करके चिकन बाद में लास्ट में ऐड करके खा सकते हो। ग्रेवी अच्छा फ्राई हो रहा है मेरा, थोड़ा सा ऑयल निकल रहा है साइड में से। अब इसमें मैं ऐड करूँगी मेरा चिकन जो मैंने अच्छे से फ्राई करके रखा था, इसमें मुझे ऐड करना है अभी। चिकन को इसके साथ ना थोड़ा अच्छे से मिक्स करके लेंगे। इसको अभी और थोड़ा ड्राई होने के लिए ना मैं इसका भी थोड़ा टाइम के लिए कवर करके रखेंगे। एक ग्रेवी के साथ चिकन थोड़ा अच्छा सा कुक हो जाएगा, तो फिर इसको थोड़ा टाइम के लिए कवर करके रखेंगे। तो फिर यहाँ पे मेरा ना काफ्रियल रेडी है फ्राई होके। ये देखो कितना यम्मी बन गया। अभी खा के सब लोग बोलेंगे कैसा बना है। यहाँ पर रेडी, मैंने नॉर्मल ना थोड़ा सा हल्का सा ग्रेवी जैसा रखा है। और ड्राई चाहिए तो आपको ड्राई भी कर सकते हो, तो मैंने ऐसे रखा क्योंकि ऐसे खाने को ना और टेस्टी लगता है। तो फिर यहाँ पे मेरा काफ़ी रेडी है। तो फिर अभी प्लेट में भी निकालेंगे और बाद में खाएंगे। चलो तो फिर तो आज का स्पेशल है ये चिकन काफ्रियल, होममेड काफ्रियल बनाया है ये लोगों ने बनाया है। हाँ इसने बनाया, ठीक है इसने बनाया। और साइड में ना यहाँ पर गुर आवाज आ रहा है आपको, ये काम चल रहा है वहाँ पे। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम लोग कर रहे हैं लंच, जल्दी जल्दी बात कर रहा हूँ। ये देखो ये प्रॉन्स करी है, चिकन काफ्रियल जीजू का फेवरेट, इसने बनाया। ये देखो इसको खाना मत दो, इसको उपास नहीं उपास। आज हमारा होममेड खाना चल रहा है चिकन काफ्रियल के साथ। और जो कड़ी है ना ये वाला है हमारा प्रॉन्स और भिंडी वाला कड़ी है, सलाद वहाँ पे है। तो अभी हम लोग खा रहे हैं खाना। भूख लगा एक्चुअली, खाना को भूख लगा है एक्चुअली। अभी खाना खाएंगे ना और उसके बाद दीदी जीजू जाएंगे, हम लोग जाएंगे, मैं और सरिता जाने वाले हैं कलंगूट। वहाँ पे मुझे एक शूट है, शूट करके आने वाले हैं। इसका रेसिपी बनाया जो बनाए ना सुपर है। कैसा डाला जीजू? टेस्टी अच्छा मेरे सुपर। अभी मैं बताता हूँ, गरम गरम जूसी चिकन काफ्रियल होम मेड, वाह। अगर रेसिपी है ना बिल्कुल ट्राई करो एक बार, तो मुझे बुलाओ टेस्ट करने के लिए। जीजू और मुझे बुला सकते हो, हम आएंगे। मुझे तो बुला सकते हम आएंगे टेस्ट करके बताएंगे कैसे बनाया है। सुपर बनाया। चलो हम लोग खाना खाते हैं और यहाँ से निकलना है, काम भी है। सारे लोग बिजी है, कैसे खा रहे हैं देखो चिकन काफ्रियल। ये देखो भूखे है ना, भूखे सब लोग भूखे खाना खा रहे हैं। मैं भी खाना खा रहा हूँ, रुक जाओ।